दोस्तों अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर कि आखिर क्या करें नहीं करें, कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सा ऐसा साल आएगा जो हमें हमारे कर्मों का सही फल दे के जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरा नाम समिता सिंह है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों आज मैं आप सबसे चर्चा करूंगी पर्सनल ईयर के सीरीज में पर्सनल ईयर 8 के बारे में। ऑलरेडी मैं पर्सनल ईयर 1-7 बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ और अभी तक आप जान चुके होंगे, फिर भी मैं यहाँ ब्रीफली बता देती हूँ। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड जिस साल हम देखना चाहते हैं उस ईयर को सम टोटल करेंगे और उसे वन डिजिट पे लेकर के आएंगे। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च, मुझे 2023 में देखना है। तो 7+3+2023 जब हम उसको सम टोटल करते हैं और वन डिजिट पे लाते हैं तो ये मेरा पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। दोस्तों नंबर 8 का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। दोस्तों सैटर्न को जजिंग प्लैनेट कहा जाता है। आप देखेंगे कि 6-7 साल के एपी साइकिल में जो भी आपने काम किया हुआ है, जो हार्ड वर्क किया हुआ है, अगर ऑनेस्टी के साथ किया हुआ है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर आपने काम गलत किया हुआ है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि सैटर्न जो भी देता है अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल देता है। अगर आपने लाइफ में बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए गलत तरीके से बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी और तकलीफ दे करके जाएगी। दोस्तों सैटर्न जाना जाता है पावर के लिए, सैटर्न जाना जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए, सैटर्न जाना जाता है लिटिगेशंस के लिए, लीगल इश्यूज के लिए। आप देखेंगे कि अगर किसी ने आपके ऊपर बिना मतलब का, आपका कोई दोष नहीं था और लिटिगेशन लगाया हुआ है तो आपकी जीत इस साल पक्की है। अगर आपने गलत तरीके से कोई काम किया हुआ है और आपके ऊपर कोई लीगल इश्यूज है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि आपने क्या किया हुआ है। हो सकता है कि आप बहुत सालों से दबाव फील कर रहे हैं कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूं, तो आप इस साल देखेंगे कि आप इन दबावों से मुक्त हो रहे हैं, आप में एक अलग तरह का पावर क्रिएट हो गया है अपने काम को सही डायरेक्शन देने का, सही तरीके से करने का। आपका थॉट क्लियर हो जाएगा, आपको क्या करना है नहीं करना है आपको समझ में आने लगेगी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसा कि पर्सनल ईयर 7 में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए कंफ्यूजन था तो इस साल नहीं होगा, आप क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। हो सकता है इस साल आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को भी मिले क्योंकि सैटर्न का वाइब्रेशन है, सैटर्न अप्स एंड डाउन्स भी दिखाते हैं। दोस्तों आपने सोचा हुआ है कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो आपको इस साल अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कि इस साल आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें गेन करने के लिए या फिनांशियल गेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करें, लेकिन आप जब हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि इस साल आप स्टबर्न हो जाए क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है तो आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो इस वजह से थोड़े से रिलेशनशिप में इश्यूज भी आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दोस्तों पर्सनल ईयर 8 में एक्सीडेंट का भी चांस है तो आप केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें। हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, खान पान सही रखें, योग और ध्यान से जुड़े, अपने टाइम टेबल को मैनेज करके चले, ये नहीं कि सारा कुछ छोड़ करके बस हार्ड वर्क करते जा रहे हैं। दोस्तों इस साल सैटर्न का वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट थोड़ा लेट से मिले। बोलते हैं कि सैटर्न जब देते हैं तो बहुत देते हैं और लेते हैं तो बहुत लेते हैं, इसलिए कहावत भी है कि सैटर्न देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो छप्पर फाड़ के लेते हैं। सैटर्न जब देते हैं तो सॉलिड देते हैं, तो इसलिए आप हार्ड वर्क करते रहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होइए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे।
आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें गेन करनी है, आपको फिनेंशियल गेन करना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए कुछ रेमेडीज है, कुछ टिप्स है, उसको आप फॉलो करें। आप शनि टेम्पल जाएं, लेकिन आपका मूलांक या भाग्यांक एक नहीं होना चाहिए। वहां जाकर के कुछ दान दें, अपने घर का कमोड वगैरह साफ करें। आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने ग्राउंडेड रहेंगे, वो आपके लिए बढ़िया होगा। आप बुजुर्गों की सेवा करें, लेबर की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, क्योंकि जानवर निस्वार्थ होते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।